प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अबू धाबी के दौरे के दौरान एक के बाद एक बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। पहले तो केवल हिंदू मंदिर के शिलान्यास की ही खबर थी, मगर अब अबू धाबी से एक ऐसी जबरदस्त खबर सामने आ रही है जिसे देख आपकी आंखें फटी रह जाएंगी। पीएम मोदी ने पेट्रोल डीजल की समस्या से जूझ रहे भारत की बड़ी परेशानी को हल कर दिया है। ONGC विदेश लिमिटेड ने अबू धाबी ऑयल फील्ड में 10% हिस्सा खरीदा है। इसके लिए $60 करोड़ का भुगतान भी किया गया है। आपको बता दें, ऐसा पहली बार हुआ है जब अबू धाबी में किसी ऑयल फील्ड में किसी भारतीय तेल कंपनी को हिस्सा बेचा गया है। इस करार के तहत अबू धाबी की इस ऑयल फील्ड से निकलने वाले कच्चे तेल के करीब 10% हिस्से पर ONGC विदेश लिमिटेड का हक होगा। ये करार 9 मार्च 2018 से लागू हो जाएगा। इस ऑयल फील्ड के जरिए प्रतिदिन लगभग 4 लाख बैरल यानी कि साल भर में करीब 2 करोड़ टन कच्चे तेल का उत्पादन होता है। इसमें से भारत को हर साल इसका 10% यानी कि करीब 2 लाख टन कच्चा तेल मिलेगा। जैसे जैसे ऑयल फील्ड से कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ेगा, वैसे वैसे भारत को भी ज्यादा मात्रा में कच्चा तेल मिलता जाएगा। 2025 तक इस ऑयल फील्ड का रोजाना उत्पादन 4.5 लाख बैरल किया जाने का लक्ष्य है। ONGC विदेश लिमिटेड भारत की 3 बड़ी तेल कंपनियां यानी ONGC, इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम की तरफ से बनाई गई संयुक्त कंपनी है। साथ ही कच्चे तेल को लेकर हुई इस ऐतिहासिक डील से भारत में पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर भी राहत मिलेगी। पहले जॉर्डन, फिर फिलिस्तीन और अब अबू धाबी। जैसा स्वागत पीएम नरेंद्र मोदी का हुआ है, उसे देख सभी बेहद हैरान हैं, खास तौर पर कांग्रेसी। आपको याद होगा कि 2002 से लेकर 2014 तक कांग्रेस ने पीएम मोदी पर कीचड़ उछालने के कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अमेरिका को पत्र लिखा गया था कि उन्हें वीजा ना दिया जाए, मगर पीएम मोदी न केवल सत्ता पर काबिज हुए बल्कि आज अमेरिका से लेकर रूस व इसराइल से लेकर अरब देशों तक सभी पीएम मोदी के लिए पलके बिछाते हैं। दुनिया का हर देश आज भारत के साथ जुड़ना चाहता है। यही वजह है कि इतिहास में पहली बार अबू धाबी ने भारतीय कंपनी को ऑयल फील्ड में हिस्सेदारी बेची है। जो काम कांग्रेस 60 सालों में नहीं कर सकी, वो मोदी ने 4 सालों में कर दिखाया। अबू धाबी की देखा देखी में अन्य अरब देश भी भारत के साथ इस तरह के करार करने को उत्सुक हैं। ईरान के साथ चाबार पोर्ट का करार तो पहले ही हो चुका है, अब सऊदी अरब व अन्य खाड़ी देश भी भारत के साथ व्यापार संबंधों को प्रगाढ़ करने के लिए उत्सुक हैं। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। आगे ऐसी खास खबर देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।